मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता और मिल नहीं सकता, मरना स्वीकार है मुझे। किसी ने जैसे कसम खाई हो हमें सताने की, हम ही पे ख़त्म हैं सब गर्दिशें जमाने की, सुकून तो खैर हमें अब नसीब क्या होगा, यही कहो कि अभी हिम्मत है गम उठाने। अब हो सकता है उनके पास भाई बड़े लोग हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, हवाई जहाज वगैरह नहीं है, क्या कहत लाएंगे? मतलब मुर्दन के लिए भी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, यहाँ जिंदा में नहीं व्यवस्था हो पा रही। और बाकी कैसे जाएंगे आप बताएं? 10-5 को तो मैं नहीं कह सकता, बाकी किसी भी कॉलोनी वाले जाकर पूछ लीजिए कि उसने कितने पैसे दिए हैं, तब आवास उसको मिला है। कहने क्या जरूरत, मैंने एक बार कहा है कि 5,000 से 25,000 तक आवास में लिया गया है। तो विकास किए होते तो ये नौबत ना आती, हमेशा इस तरीके की 420 बरगला करके जनता को काम किया जाता है। अब आपको पता होगा कि सुबेहा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे अब्दुल रशीद चच्चा, जो हमका 4-5-6 दिन पहले भैया लोगों इंटरव्यू दिन न है, और इनका बहुत धमाकेदार इंटरव्यू रहा, काफी लोग पसंद भी करें, लेकिन हुआ का कि जो उनके विपक्षी रहे वो इनसे भी बड़े वाले रहे निकले, वो इनके इंटरव्यू के कटिंग काट के उनका दौड़ा दिन 6 सेकंड के, वकृत्य जो उन्हें कहा जब वो हमहू देखा तो वहाँ चच्चा एकदम प्रचार कर रहे दूसरे इनके, अपने जो इनके सामने लड़ रहे हैं वही चच्चा प्रचार का नजर है। तो चच्चा जब चच्चा तक ये जानकारी पहुंची, चच्चा भी एकदम तैसमाइन, फिर FIR की कापी दहीन, पुलिस ढूंढ रही है, भैया फरार हैं। लेकिन सवाल हमारा ये है कि हमारा जो चैनल है DUP TV न्यूज, ये कभी भी कटिंग कर वीडियो नहीं चलाती, इसीलिए हम लोग वर्जिनल वीडियो रखते हो। हमने अपने चैनल पेस्ट भी किया, उस वीडियो को अपलोड किया कि ये था वर्जिनल, इसको काटा गया है। धन्यवाद आपको। सवाल हमारा ये है, जब लोग इतना विकास कर दहीन है चच्चा, तो ये कटिंग वाला खेल का है चल रहा है? अगर विकास किए होते तो ये नौबत ना आती, हमेशा इस तरीके की 420 बरगला करके जनता को काम किया जाता है। आप बताइए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, और उसके बाद अगर विकास की हो तो विकास के दम पर लड़ना चाहिए, ये सब काट छांट करके किसी को बेइज्जत करके क्या मतलब है? किसी ने जैसे कसम खाई हो हमें सताने की, हम ही पे ख़त्म हैं सब गर्दिशें जमाने की, सुकून तो खैर हमें अब नसीब क्या होगा, यही कहो कि अभी हिम्मत है गम उठाने की। अच्छा अच्छा, आप तो नहीं कहो चलवा दी हो? एक हमारे पास रिकॉर्ड है, पहली चीज़ तो मैं प्रत्याशी हूँ, और इस तरीके की बात चलवा करके आपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा, संभव हो सकता है? प्रत्याशी चच्चा मैनेज हो ही जाते हैं। नहीं, क्या संभव हो सकता है? अब मैं मैनेज होने वालों में से प्रत्याशी नहीं हूँ बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में मैनेज होना नहीं सीखा। चच्चा जी की जानकारी कब भाई आपका, जैसे आपका वीडियो वायरल हो रहा? कई दिन बाद जानकारी हुई, लोगों ने हमसे फोन करना बताना शुरू कर दिया, एक आध लोगों ने हमको भेजा तो हमको मालूम हुआ, फिर केतार बाबू ने हमको बताया कि आपका इस तरह आ रहा है, तो हमने कहा ये कैसे आ रहा है, हम उनसे मिले, उनसे पूछा तो देखा उनके वीडियो में, तो उस व्हाट्सएप पे चौधरी लिखा है। अब कौन चौधरी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चौधरी लिखा है, चौधरी लिखा है जी, और उन्होंने भेजा है उनको, केतार बाबू को, उन्होंने हमको बताया। कई लोगों ने अहमदाबाद तक हमारे पास फोन आया और व्हाट्सएप, वीडियो अहमदाबाद तक पहुंच गवा? जी जी, यूपी तो बात छोड़ो, गुजरात पहुंच गवा, अहमदाबाद तक हमारे पास फोन आया जो मेरे इसमें है, और उन्होंने कहा कि ये कैसे आप कर रहे हैं, ये क्या है, तो हमने उनको बात बताई, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, रात में मुझे नींद नहीं आई कि इस तरह की बेइज्जती तो मेरी कभी नहीं इस तरह हुई है जिस तरह लोग कर रहे हैं। मेरी 70 साल जिंदगी है, मैंने कभी ये सब किया नहीं, ना मैंने ये सब सीखा है। लेकिन अब उनका उद्देश्य है तो आपने क्या किया? मुझे जब मैं बहुत परेशान हो गया क्या करूं, तो मैंने उसके कटाक्ष में अपने थाने को गया, इंस्पेक्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, और उसके बाद हमने कहा साहब इस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें, आप जाँच करें। चाचा आप आज बहुत स्लो बोल हो, क्या बात है, ज़्यादा आहत हो गए क्या इस वीडियो से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है आपको? बेहद तकलीफ हुई है। जब विकास का ढिंढोरा पीटते हैं चौधरी साहब, तो फिर उनके लोग इस तरह के कृत्य क्यों करते हैं? CSC तो बनवा ही दिया उन्होंने, बता रहे थे CSC हम ही ने बनवाया है, पुल बनवा दिया उन्होंने, मनरेगा पार्क बनवा दिया है, तो कौन जरूरत है उनका जो है एक आकाश इस तरह वीडियो चलवा हुए के। हाँ, एक अस्पताल की बात आपने कही है, उसको किस तरह बनाया गया है जिसका कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है,
अच्छा जी, तो सिर्फ दूसरों को जो उनके विरोधी हैं उनको परेशान सताने के लिए, उनकी ज़मीन लेने के लिए कि वो रास्ता उधर से निकल आए, उसका रास्ता मुंह दूसरी तरफ कर दिया गया। यह सब जांच का विषय है। जबकि जिस नगर, जो नगर पंचायत को ऑफिस चल रहा है वो भी हमारा बनवाया है, उस समय का है जब हमको टंकी मिली थी, पानी की टंकी बना। अच्छा, आप ही बनवाए हैं? वो कर्मचारियों के रहने की जगह है, ना कि नगर पंचायत का ऑफिस। अच्छा जी, एक और विकास आपको बता दें। हाँ। एक तो आपने देखा ही होगा राजघाट पर जो अंबेडकर पार्क बना है उसके अंदर लोगों के घर निवास कर रहे हैं। जी जी हैं, ये अंबेडकर का पार्क बनाया गया। हाँ। सिर्फ लोगों को सताने की गरज से। एक भी एक बात और आप देख लें। हाँ। उसी जगह पे जरा से हट करके शमशान घाट बनाया गया है। जी, शमशान घाट को देख लीजिए, आने जाने कोई रास्ता ही नहीं, मुर्दे काहे सही हैं। अब हो सकता है उनके पास भाई बड़े लोग हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। हवाई जहाज वगैरह नहीं है, क्या काहे लाएंगे? मतलब मुर्दन के लिए भी हेलीकॉप्टर व्यवस्था, यहाँ जिंदा नहीं व्यवस्था हो पा रही। और बाकी कैसे जाएंगे आप बताएं? हाँ। जब नियम विरुद्ध, पास ही में आबादी है, पास ही में आबादी है, और आबादी के पास शमशान घाट नहीं बनाया जाता। लोग कहते हैं कि 5 साल कोई विरोध करता नहीं है, अब 5 साल बाद लोग चुनाव लड़ने आ जाते हैं। आइए मेरे घर आइए, मैं आपको बताऊं क्या क्या विरोध किया है। आपने कागजी किया कहीं दर्जन तक दिखावे में किया आपने? अब चूंकि जनता के दिखावे में क्या किया जा सकता है, मैंने कभी वो धरना प्रदर्शन नहीं किया अभी तक। हाँ। लेकिन कागजी विरोध हमने पूरी तरीके से किया, जिसमें कई इनके खिलाफ कई आर्डर भी हुए हैं जो मेरे पास रखे हुए। इंटरव्यू में कुछ ऐसा तो ना बोली हो कि फिर काट दिए, इंतजार का तो काट के चलवाई? अब वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो बड़े लोग हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं लेकिन काबिल हैं। अच्छा, फेसबुक और ये सब मोबाइल चलाने के माहिर लोग हैं उनके साथ। हाँ। उनके पास तो क्या कर सकते? आपकी जीत का वरदान ना दे हो हमका लगा। जीते एक वरदान? हाँ। अरे आप कहो जीत रहे हो, हम देखा, हम चौक गए ना है। तो आप चौक गए तो उसको पूरा देख लेते हैं। आपको देखा तो आपको, आप ही ने इंटरव्यू लिया है। हाँ। तो आपको, आप जान लेते कि कैसे। यही सब करके सिर्फ झूठ की बुनियाद पर। हाँ। क्योंकि एक दिक्कत है हमारे यहाँ, अनपढ़ जनता की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, इस कारण वो बरगलाए में आ जाते, लोग कहने लगे कहीं नहीं है तब ऐसा है, कहीं नहीं है तब ऐसा है, तो ये दिग्भ्रमित करके जनता को चुनाव जीतने का काम करते हैं। इस बार मुझे पूरा विश्वास है, अगर ऐसा ना होता तो लोग मुझसे बार बार प्रश्न न करते कि ये आपने क्या कह दिया, इस तरह आपका वीडियो कैसे काट दिया गया। अगर लोग मुझसे स्नेह न करते मुझ तो किसी क्या ज़रूरत है ये बताने की। लेकिन लोगों ने हमसे पूछा, लोगों ने हमसे कहा, और कुछ लोगों तो नाराज़ी जताई कि इस तरह का स्टेटमेंट दो तब आप कैसे जीतोगे। अच्छा, यही तरह के दे, ऐसे लोगों ने कहा। अच्छा, लोग भी चौंक गए हैं, कह रहे हैं चाचा भी प्रचार करे लाग। 10-5 को तो मैं नहीं कह सकता, बाकी किसी भी कॉलोनी वाले जाकर पूछ लीजिए कि उसने कितने पैसे दिए तब आवास उसको मिला है। कहने क्या ज़रूरत, मैंने एक बार कहा है कि 5,000 से 25,000 तक आवास में लिया गया है। अब ये जाँच कर, इस बार कहा चुनाव चल रहा हुए तो अब गलत प्रचार है ना। अब जिसको देना था दे दिया, अब तो मिलना नहीं आवास, अब कहाँ मिल रहा है, तो माइक से ऐलान कराया जा रहा है। विस्तार वाले गांव में बताएं कि सब सुविधाएं आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, विस्तार वाले गांव में तो ये भी कहा गया कि जल्दी आधार दो और पासबुक दो, कॉलोनी तुमको देंगे। कुछ रोडें भी ना खराब थी, नाप दी गई, रास्ते भी। चाचा, जो काम 5 साल में नहीं होते वह काम का है, अब चुनाव के आखिरी तो 3 महीना में हो जाते, यह का कारण है? सबसे ज़्यादा कमी जो है वो हम जैसे गरीबों की कमी है। जब 5 साल, 1 साल रह जाता, 6 महीना रह जाता है, तो लोग भरमाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए पहुंच जाते हैं, और कुछ दाम पानी खर्च करते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं, वह इसलिए ये प्रचार किया जाता है। काश कि जनता जो है पूरी तरीके से जानती है, लेकिन उसको इसी तरह दिग्भ्रमित करके, जैसे भी हमारा आपने इंटरव्यू देखा, इस तरह गलत प्रचार किया गया। कुछ लोगों के जहन में होगा, हो सकता है उन्होंने कहा होगा बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, कभी ऐसा हो सकता है। नहीं चाचा, राजनीति तो हो सकता है, बाकी मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता और मिल नहीं सकता। कब तक जेदउआ कहेंगे, जी हुजूर कब तक करते रहेंगे? टाइटल चल गवा है, अब क्या बताएं? जनता का कहा दिया के जन तो अगर आ जाएं तो बेचारे क्या करें, डर के कारण। क्या कहिए जी भैया? भैया आपका मन है क्या कहा जाए? जो जिस कैटेगरी को हो उसका उस तरह सम्मान किया जाए। उम्र में छोटे हैं जी भैया, हाथ जोड़े हम खड़े हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बड़ा है तो बड़े का सम्मान किया जाए, अगर कोई छोटा है
उम्र में, तो उसका सम्मान उस तरह किया जाए, और ना कि छोटा जमीन पे बैठा, बड़ा जमीन पे बैठा है और छोटा कुर्सी पर पैर फैला रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं इसीलिए जनता को जगा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है अब्दुल रशीद चचा, जिनका लोग खुदे बेचक तैयारी कर ली ना है। अब सोच लो चचा भी बड़े वाले दिमाग की, चचा कहीं पैसा से तो मजबूत नहीं ना, लेकिन दिमाग से बहुत मजबूत हन। दे दीन एफ आई आर, बाबा जी की पुलिस ढूंढ रही है, भैया फरार चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चचा की आखिर का जो एफ आई आर है, ई एफ आई आर पर पुलिस का एक्शन लिया था, यह तो समय बताइए। डी यू पी टी वी के लिए शिव मोस्थिक रिपोर्ट।